हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वोल्टेज। दोस्तों मेरा नाम है नवीन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ की नई वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, फाइनली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। दोस्तों यहां पर 1400 से अधिक पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है। यानी कि दोस्तों आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स वहीं अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी के लिए मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं तो मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी होने जा रही है इस साल 2023 की, जो कि बीएसएफ की तरफ से नई भर्ती है। दोस्तों 1400 से अधिक वैकेंसी है, बड़ी भर्ती है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो केवल 10th पास कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप केवल 10वीं क्लास पास है तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बीएसएफ की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सारी जानकारी आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बीएसएफ की तरफ से नई वैकेंसी है। दोस्तों अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास है, तो इस वैकेंसी के अलावा और भी अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से आ चुकी है नई भर्ती, जिसकी कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से tipsworldbuzz.xyz पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके फ्री के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जैसा कि रेलवे, एसएससी, इन सभी की अलग अलग जो वैकेंसीज होती है उनके फ्री में आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए जाते हैं, तो अपने लेवल को आप चेक कर सकते हैं फ्री के मॉक टेस्ट के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि इस साल 2023 की नई रिक्रूटमेंट है। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है वो यहां पर आप डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स के लिए 1343 पोस्ट है, वहीं हेड कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 67 पोस्ट यहां पर जारी की गई है। ठीक है, वही दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 1410 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बात करते हैं जॉब टाइप की, तो जॉब टाइप जो रहेगा डिफेंस का जॉब है। आप जैसा कि देख सकते हैं सैलरी आपको 21,700 से लगभग 70,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट होने जा रही है वो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल की। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम जो है 25 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा में छूट भी है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है आयु सीमा में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा स्टेप बाय स्टेप यहां पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले नंबर वन में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी टेस्ट आपको लिया जाएगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। वही दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कितनी चाहिए वो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखा है एससी एसटी, और यहां पर आप देख सकते हैं 162.5 सेंटीमीटर है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं अदर कैंडिडेट्स उनके लिए भी यहां पर हाइट के बारे में पूरी जानकारी मेंशन की गई है। वही दोस्तों बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का नाप क्या होना चाहिए, वो कैटेगरी वाइज आप यहां से देख सकते हैं किस प्रकार का यहां पर नाप दिया गया है, मेजरमेंट दिया गया है। वही बात करते हैं कि फीमेल के लिए हाइट कितनी चाहिए, तो फीमेल के कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी वाइज कितनी कितनी हाइट होनी चाहिए वो यहां पर मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फीस जो है आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं, वैसे तो नॉट डिस्क्लोज्ड है, नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फीस के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। हो सकता है यहाँ पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा हो, फ्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो केवल 10th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, तो क्वालिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है 10वीं पास कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि इसकी आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, 30 दिनों के भीतर आपको अप्लाई कर देना है। 30 दिनों का आपके पास में टाइम है, अप्लाई कीजिएगा, आज ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, यहां से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
जैसे दोस्तों आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी के बारे में साफ साफ बताया गया है, पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है, 21,700 से लगभग 70,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट से आवेदन मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, इंडियन सिटीजन से आवेदन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टेबल की कौन कौन सी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। जो प्रोफाइल आपको सुटेबल लगती है कांस्टेबल की उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्स में यहां पर जानकारी मेंशन की गई है। वहीं मेल के अलावा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहां पर कैटेगरी वाइज मेंशन की गई है वैकेंसी, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा, अप्लाई करने का मोड केवल आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, तो अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस भर्ती को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।